हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फिर से मैं आप लोगों के लिए नया एक यूनिक एक्सरे लेके आया हूँ। तो आज का अपना एक्सरे है वो सेलेटर सिका का एक्सरे है। तो इसके अपन देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या टेक्निक्स होगी, क्या फैक्टर यूज़ करेंगे, ये सेलेटर सिका कौन सा पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप इसी वीडियो में आप कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, जब भी आप आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो ये देखिए गाइस, सेलेटर सिका की बात करती है, सेफेनोइड वेन कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा। ये रेड कलर में इंडिकेट कर रखा है ना, तो कुछ ही सेलेटर सिका इस तरह का दिखेगा। तो हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्री टाइम मिले तो आप देख लेना। ये हो गया, इसके बाद अपने को यहाँ एक फोटो और दे रखी है इन्होंने। तो ये देखिए, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रखा है इन्होंने और सेलेटर सिका दिखा रखी है। सेलेटर सिका कौन सी अपने हाथ का जैसे सी बनाते हैं और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद करके उस सी के अंदर डालेंगे, तो वो देखिएगा। तो वो जो मुट्ठी बंद वाला हाथ है वो क्या बनेगा, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो सी बनाए वो क्या है, सेलेटर सिका। ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो अपने को रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सा ये पार्ट दिख रहा है। तो ये देखिएगा, इसके अंदर सेलेटर सिका दिख रही है, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया सेलेटर सिका। उसके बाद अपने को सेफेनोइड साइनस भी दिख रहा है सेलेटर सिका के नीचे की साइड। फिर ये डोर्सम सेल है, पोस्टीरियर क्लिनोइड और एंटीरियर क्लिनोइड। तो ये दो क्लिनोइड दिख रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा जनरल एनाटॉमी को पता होना चाहिए कि इस चीज़ में अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये अपना टॉपिक कवर हो गया यहाँ से। तो इसके बारे में भी अपन बात करते हैं थ्योरी की। अगर थ्योरी की तरफ चलें, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि व्हाट इज सेलेटर सिका, विद इन आवर स्कल देयर ए स्मॉल बोनी नुक एट बेस ऑफ योर ब्रेन दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट योर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट कंट्रोल हाउ हार्मोन वर्क इन आवर बॉडी, दिस टिन स्ट्रक्चर कॉल्ड सेलेटर सिका। तो सेलेटर सिका अपनी बॉडी का वो पार्ट है जो स्कल के नीचे वाली जो बेस है ना, बोल सकते हो ब्रेन के नीचे अपने को एक होल्ड मिलेगा, जैसे एक कैविटी मिलेगी सी टाइप की, तो उसके अंदर एक अपना पिट्यूटरी ग्लैंड इंबेडेड होगा, तो उसको बोलते हैं अपना सेलेटर सिका। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, अपनी बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसके बारे में अगर आप बात करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि सेलेटर सिका का क्या काम होता है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि इट इज़ ए नॉन एंगल लेटरल रेडियोग्राफ द एक्सरे। अगर सेलेटर सिका का एक्सरे करना, तो इसके अंदर अपने को फिलहाल कोई एंगुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती, बस नॉर्मल आप एक्सरे करते हैं लेटरल का, उसमें बस थोड़ी सी पोजिशनिंग की ध्यान रखनी और सेंटरिंग की ध्यान रखनी है। ये हो गया, इट इज़ यूज टू एग्जामाइन द पिट्यूटरी पी शेप ग्लैंड दैट इज कॉल्ड मस्टेनिकल ग्लैंड। और इस एक्सरे में आप क्या सीखते हैं, आप एक पिट्यूटरी ग्लैंड का आप एक्सरे करेंगे, साथ साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पी शेप ग्लैंड है और जिसको आप क्या बोलते हैं, मस्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक चीज़ याद रखना, अपनी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि विच वन इज़ द मस्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, विट इज़ द हार्मोनल ग्लैंड, ठीक है, जो मेन कंट्रोल करता है, तो उसको बोलेंगे आप पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपके ये दो तीन क्वेश्चन जी कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद अगर बात करें पेशेंट की क्या पोजीशनिंग रहेगी, तो अगर पोजीशनिंग में बात करें तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द पेशेंट सिट्स फेसिंग द इरेक्ट बक्खी, द हेड इज देन रोटेटेड सच दैट द मीडियल सेस्टल प्लेन इज पैरेलल टू द बक्खी एंड इंटर ऑर्बिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बक्खी। तो इसमें ये बात कह रहा है, देखिए अपने पेशेंट को क्या बनाना है, बक्खी के पास बिठा देना है, वर्टिकल बक्खी के पास, उसके बाद उसका हेड को रोटेट कर देना है, मतलब उसका रोटेट की जो लेटरल पोजिशन बनेगी, जो अपना स्कल लेटरल में बना रहे थे ना, कुछ इस तरह से अपने को पोजिशन बना रही है। ये हो गया, इसके बाद अपने ये ध्यान रखना है, तो अपना मिड सेस्टल प्लेन है, ठीक है, जो अपने बॉडी को लेफ्ट राइट में पार्ट रहा है, वो जो प्लेन है, वो जो लाइन आ रही है अपनी बॉडी से बीचों बीच, वो क्या होगी, कैसेट के पैरेलल होगी। और इसके साथ साथ अपना नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है, जो अपने ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स के अंदर एक लाइन जा रही है ना, अपने ऑर्बिट्स का रीजन देख लो, तो ऑर्बिट से आप पीछे की तरफ चले जाएंगे, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेगा, अपना लगभग परपेंडिकुलर बना लेगा बक्की से, आप बोल सकते हो कैसेट से अपना एक, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेशेंट के अगर ग्रिप करवाना चाहिए अगर बक्की के साथ, तो करवा सकते हो, उसको पकड़वा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ऊपर का पार्ट नहीं हिलना चाहिए। एंड इसके बाद ये कह रहा है कि हेड एंड बक्की आर सो दैट सेंटर ऑफ द बक्की इज वर्टिकली अबाउट 2.2 बेस लाइन फॉर द एक्सटर्नल रोटेटिंग। तो इसमें यह बात कह रहा है कि अपने पेशेंट को कुछ इस तरह से पोजिशन करना, अपनी कैसेट होगी वो कैसेट लगभग अपनी शोल्डर तक चली जाएगी, शोल्डर से ऊपर ही रखेंगे लगभग, ठीक है, शोल्डर से आप कैसेट ऊपर गए, ये आ जाइए अपनी C1 C2 तक का रीजन आ जाएगा, नीचे वाला लोअर पार्ट और ऊपर तक पड़ा रहेगा, बाकी तौर से अपने पेशेंट पर डिपेंड करता है किस तरह करें, ठीक है। ये हो गया, बाकी इन्होंने थ्योरी के दे रखा है, तो मैंने यह बात आपको सिंपल सी बता दी। इसके बाद ये कह रहा है एक्सपोजर फैक्टर्स की बात करें, तो अपने को 10 से 20 एमएस और 60 से 70 केवीपी पे अपना जो सेलेटर सिका का एक्सरे वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, दिस एग्जामिनेशन इज इंक्रीजली अनकॉमन एज इन द प्रेजेंस ऑफ गुड क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर सीटी टेस्ट विद चॉइस। इसमें क्या होता है गाइस, अपना लगभग ये एक अनकॉमन एक्सरे बहुत रेयर केस में होता है सेलेटर सिका का, अगर अपने को पिट्यूटरी फोसा का या कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, MRI या CT बोलेंगे, लगभग MRI होगी, हो सकता है तो CT बोल दे, तो
मतलब क्योंकि उसमें क्या होता है, अपने कोई ट्यूमर वगैरह होगी तो उसके बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह वो चीज़ अपने को एक्सरे में नहीं दिखेगी, तो किस तरह से क्या एविडेंस है, तो ये सारी चीज़ अपने को किस में दिखेगी, CT MR में दिखेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्दर एवोल्यूशन के लिए डॉक्टर क्या करेगा, CT MRI सजेस्ट करेगा। और इसके बाद ये बात कह रहे हैं कि अगर अपने पास कोई मोडलिटी प्रेजेंट नहीं है, बोल सकते हो अपने कंसोल में या फिर बोल सकते हो अपने डिपार्टमेंट में CT MRI है नहीं, तो आप एक्सरे करेंगे। अगर एक्सरे से अपने को ये पता चल जाएगा अगर सेला ट्रस्ट का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अपने को लार्ज लीजन दिख रहा है, तो उसके ठीक है, तो इसे अपने को ये मिल जाएगा कि सेलेट्रिस्का का एक्सपेंशन हो गया, तो अपने को बड़े दिखे कि बड़े दिखे तो आप बोल सकते हो कोई ना कोई लीजन है वहाँ, ठीक है, बोल सकते हो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कोई प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, तो इसलिए उसका साइज बढ़ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कई बार अपने को क्या दिख रहा है कि डबल फ्लोर सेलेट्रिस्का दिखती है, मतलब उसके फ्लोर डबल दिखते हैं, तो उस केस में अपने को लगभग अपन लगा सकते हैं कि अपने को इंट्रापिट्यूटरी ट्यूमर है, ठीक है, ये लगभग क्या हो गई, ये नॉर्मल वेरियंट ड्यू टू स्लो, ये कई बार क्या होता है लगभग ये नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि अपने को इसके अंदर पिट्यूटरी ट्यूमर मिल सकती है, तो उस केस में अपने डबल फ्लोर दिखेंगे, और इसके साथ साथ अपने को अगर अगर अपने को लगभग थोड़ी बहुत आप एंगुलेशन देंगे तो अपने को एंगुलेशन से कवर हो जाएगा। तो अगर आप एंगुलेशन कौन सी देंगे, ऑफ 20% प्रोजेक्शन, तो बोल सकते हो ओसिटो फ्रंटल मतलब पीछे से आगे की तरफ अपने को 20 डिग्री एंगल दे देंगे, ठीक है, तो 20 डिग्री एंगल दे देंगे तो अपने को बिल्कुल उसके अंदर सेलेट्रिस्का का फ्लोर बिल्कुल परफेक्ट दिख जाएगा, कि अपने को डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसको ट्यूमर है कि नहीं पेशेंट को, ठीक है, ये अपना एक्सरे हो गया जो जनरल एनाटॉमी बात करे थे। उसके अगर बात करें तो कुछ इस तरह से अपने को पेशेंट की पोजिशनिंग होगी, ये देखिए इस तरह से पोजिशनिंग होगी, और लगभग अपना TM पर आप सेंटरिंग कर देंगे, इस रीजन में अपनी सेंटरिंग हो जाएगी, ठीक है, फैक्टर्स आप बता चुके हैं। तो इसको जैसे ही आप एक्सपोज करेंगे तो अपना ये सेलेट्रिस्का, ये देखिए गाइस ये आ गया ना, ये जो अपना फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये देखिए, ये सेलेट्रिस्का का रीजन आ गया, इसके अंदर अपने को सेलेट्रिस्का दिख रही है, तो ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट इमेज है। तो इसका आप हो सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर फ्री टाइम मिले तो आप इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए गाइस अपने को सेफेनोड साइनस दिख रहा है ट्रस्का, फिर सेले एंटीरियर पोस्टीरियर क्लिनोड्स दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ के अंदर क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आप इस केस में ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेडिएशन का इफेक्ट रहता ही रहता है। और उसके साथ साथ अगर कोई और भी डाउट है तो आप पेशेंट से पूछ सकते हो। उसके साथ साथ कोई भी इस रीजन में अपने को मेटल का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, कान से या फिर बोल सकते हो ये निकलवा सकते हो, क्योंकि ये क्या करेंगे अपने इमेज को ख़राब कर देंगे, तो ये चीज़ें अपने को हमेशा निकालनी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, आज का ये टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको।